नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। खबर छतरपुर से है, जहां थाना क्षेत्र के आमखेड़ा गांव का रहने वाला लापता युवक ग्रामीणों को मिल गया है। पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया है और बताया जा रहा है कि युवक 19 दिसंबर को बड़ाम लहरा कपड़े लेने पुखरिया सरकार मंदिर गया था, लेकिन वहां से घर लौट कर वापस नहीं आया, जिसके बाद पुलिस युवक की गुमशुदगी दर्ज कर तलाश में जुट गई थी। अब खबर छिंदवाड़ा से है, जहां सौसा क्षेत्र में जंगली जानवर की दहशत लगातार बरकरार है। आए दिन अलग अलग क्षेत्रों में जंगली जानवर मवेशियों पर हमला कर उन्हें अपना निवाला बना रहे हैं। इससे किसानों में दहशत के साथ साथ उनका बड़ा नुकसान हो रहा है। आरोप है कि वन विभाग सिर्फ खाना पूर्ति कर मामले को निपटाने में जुटा है। खबर सिवनी जिले से है, जहां केवलारी पंचायत अंतर्गत छींदा में आंगनबाड़ी केंद्र में मरम्मत के नाम पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। दरअसल ग्राम पंचायत छींदा ने आंगनबाड़ी केंद्र में लगभग 90,000 रुपए की लागत से मरम्मत का काम कराया था, लेकिन ऐसा लगता है कि मरम्मत के नाम पर यहां सिर्फ औपचारिकता ही निभाई गई है। जी, मैं इंद्र कुमारी मिश्रा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, छींदा 2 से हूँ। ये अव्यवस्था यहाँ दिख रही है, अभी बीच में कोई मरम्मत कार्य हुआ था क्या? जी, क्या क्या हुआ मरम्मत कार्य? सर, इसमें अपना जो विभाग से पैसा आया था, सरपंच और सचिव के अंडर में था बनाने के लिए, उन्होंने अपना बीच के हाल है उसमें टाइल्स वगैरह लगवाए हैं, और किचन में थोड़ी सी मरम्मत जो खुद गया था, बहुत गड्ढे हो गए थे, उसकी मरम्मत हुई है, और अपना जो अंदर का स्टोर रूम है उसकी मरम्मत हुई, तो वो भी फिनिशिंग से नहीं हुई थी। इसके लिए मैंने काफी उनसे बहस भी हुई कि इसको अच्छे से करा दीजिएगा, लेकिन उन्होंने कराने में थोड़ी सी लापरवाही करी। बहुत मुश्किल से बाहर का पूरा जैसा होना चाहिए था, बच्चे खेलते हैं, और मैंने बोली थी कि यहाँ तिरंगा झंडा के लिए एक वो बना दीजिए और इसकी मरम्मत करा दीजिए, ताकि मेरे आंगन में बच्चे खेलते हैं तो कंकड़ पत्थर में गिरेंगे तो उनके हाथ पैर में लग जाएगा। तो वो रेट जहाँ जैसी पड़ी थी, वो सामान सामग्री पूरी वैसी पड़ी, और कुछ सामग्री जो बची हुई थी वो सामग्री भी यहाँ से उठा के और कहीं और उपयोग में ले लिया गया है। खबर एमपी के सिवनी जिले से है, जहां किसानों ने धान खरीद केंद्र के स्थानांतरण का विरोध किया है। आपको बता दें कि केवलारी तहसील के तींदुआ में धान खरीद केंद्र को स्थानांतरित कर मां पद्मावती वेयर हाउस छींदा में धान की खरीद की जा रही है। सर, मेरा नाम अवधेश राजपूत है, मैं ग्राम तींदुआ से एक किसान हूँ। महोदय, हमारे यहाँ हमेशा से धान तुलाई तिलुआ में होते आई है, और पिछले सीजन में छींदा सोसाइटी खरीदी करती थी, उसके डिफाल्टर होने के कारण इस बार हमारे तिलुआ में तुलाई नहीं हो रही है। इस खरीदी केंद्र को पहुंचा दिया गया बेयर हाउस। अब वो बेयर हाउस जाने के कारण किसानों को बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। उसका कारण ये है कि एक तो वो यहाँ से 9-10 किलोमीटर की दूरी पे है, दूसरी चीज किसानों को लेबरिंग और ट्रांसपोर्टिंग का खर्च बहुत ज्यादा आ रहा है। सोहन सिंह राजपूत, क्या समस्या है? सर, धान तुलाई की समस्या है यहाँ पर। मैं चांदनखेड़ा से किसान हूँ, क्योंकि तिंदुआ केंद्र में धान आती है हम लोगों की। पिछले बार सोसाइटी छींदा ने खरीदी की थी, उनके डिफाल्टर होने के कारण सोसाइटी बेयर हाउस चली गई छींदा, और छींदा जाने में हमें कम से कम 10 से 12 किलोमीटर पड़ रहा, और बोनी अलग चल रही, खाद अलग डालना है खेत में, पानी अलग चल रहा, किसान बहुत परेशान है। इतने दूर ले जाके हम 4 दिन रोके तो बहुत बड़ी समस्या बनती है किसान के लिए। क्या नाम है? जगदीश सिंह। क्या समस्या है यहाँ तिंदुआ? तिंदुआ के हिसाब यहाँ पे है तो केंद्र किसी गेहूं धान सब यही तो लगती, और आज है तो नहीं रही है। आज कहाँ वो कहा के जहाँ गेयर हाउस छींदा चली गई है, हमें बहुत भारी तकलीफ है। यहाँ से हम जाने में, हम एक खेप ले जाने में हमके कम से कम 1,000 रुपये को खर्च बैठा थे। क्या चाहते हैं? तो हमें यहीं तुलने हैं, धान चाहिए हमारी, और नहीं अगर नहीं तुल रही
तो फिर देखेंगे हम, मैंने व्यापारी के देंगे, क्या करेंगे हम। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां बिछुआ ब्लॉक में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बिजली की समस्या को लेकर कलेक्टर को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा है। इसी के साथ ही कार्यकर्ताओं ने बिजली की समस्या से जल्द निजात दिलाने की मांग की है। वहीं ग्राम मझियापार में किशोरी के साथ हुई ज्यादती के विरोध में थाना प्रभारी को ज्ञापन भी सौंपा गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।